नमस्कार, मेनपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंकित द्विवेदी। जनपद सुल्तानपुर से मथुरा के लिए शुरू हुई 10 दिवसीय बेरोजगारी मुक्त क्रांति साइकिल यात्रा जैसे ही मेनपी के भुमाव कस्बा में पहुंची, उसका भव्य स्वागत किया गया। यात्रा के माध्यम से अखिलेश सरकार द्वारा किए गए कार्यों से अवगत कराया जा रहा है। देखिए हमारे संवाददाता गुलजार अहमद की ये रिपोर्ट। गुरुवार को सुल्तानपुर से मथुरा के लिए जा रही बेरोजगारी मुक्त साइकिल यात्रा जैसे ही जनपद मैनपुरी पहुंची तो यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। यात्रा का नबीगंज बेबर भोगाव मैनपुरी में जोरदार स्वागत किया गया। ये यात्रा 20 दिसंबर को जनपद सुल्तानगंज से मथुरा के लिए मनोज क्रांतिकारी विनीत कुशवाहा व आशुतोष पांडे के नेतृत्व में शुरू हुई, जिसकी देखरेख लोहिया युवा वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप तिवारी द्वारा की जा रही है। जैसे ही यात्रा जनपद मैनपुरी के बॉर्डर पर पहुंची तो पूर्व मंत्री आलोक शाक्य व लोहिया युवा वाहिनी के जिला अध्यक्ष रावल सिंह ने टीम ने जोरदार स्वागत किया। बेबर पहुंचने पर किसनी विधायक ब्रजेश कठेरिया, पूर्व मंत्री तोताराय यादव, शमशाद अली व हंटू खां की टीम ने यात्रा का स्वागत किया। बोगांव पहुंचने पर सपा नगर अध्यक्ष तौशीफ खान व विधानसभा अध्यक्ष रामशरण यादव की टीम ने इसका भव्य स्वागत किया। मैनपुरी शहर पहुंचने पर अध्यक्ष हृदय सिंह जॉनी व योगेंद्र पाल की टीम ने इसका स्वागत किया। ब्यूरो रिपोर्ट, मैनपुरी। ये आपकी यात्रा जो निकल रही है कहाँ से कहाँ तक के लिए है? ये सुल्तानपुर से हमारे युवाओं ने निकाली और मथुरा तक जाएगी। इसके उद्देश्य क्या क्या है? इसका उद्देश्य जो बेरोजगारी है, सरकार ने जो झूठे वादे किए थे 2 करोड़ नौकरियां देने का, और आज आउटडोर सोर्सिंग के माध्यम से ये नियुक्तियां कर रहे हैं और सारी बच्चे पूरे प्रदेश के नौजवान बेरोजगार हो गया है और इनके झूठे वादों से जनता व्याकुल हो गई है। अगर समाजवादी सरकार आती है तो सर आपकी सरकार युवाओं के लिए क्या क्या वर्क करेगी? आपको तो खुद ही मालूम, आप तो युवा हो। जी जी, बेरोजगारी भत्ता समाजवादी पार्टी ने दिया, नौकरियां समाजवादी पार्टी ने दी, और फिर आए और लैपटॉप समाजवादी पार्टी ने दिया, और फिर आएगी सरकार तो फिर इससे ज़्यादा बढ़ के काम करेगी। और ये जो बेरोजगारी है जी, उस बेरोजगारी के विरोध में इस भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, प्रदेश और सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ हमारे युवा ये संदेश यात्रा निकाल रहे हैं, साइकिल रैली निकाल रहे हैं जो मथुरा तक जाएगी। अच्छा, मैनपुरी जिला में ये इस रैली का नेतृत्व कौन कर रहा है? अरे हमारा, हम लोग तो स्वागत करता है, हम लोग तो मेजबान है मैनपुरी के लोग। नहीं, मेजबान है यहाँ पे प्रदीप तिवारी हैं, लोहिया वाणी के प्रदेश अध्यक्ष, वो उनके नेतृत्व में साइकिल रैली चल रही है भाजपा की। हम लोग सुल्तानपुर से मथुरा तक जी, हम लोग तो मेजबान है, उनके स्वागत और सम्मान में खड़े हुए हैं। जगह जगह स्वागत हो रहा है, जनता स्वागत कर रही है। संगठन के साथियों का बहुत बहुत ही गहराइयों से धन्यवाद। तिवारी जी, आप यात्रा लेके आए हैं, इसमें आपको क्या रिस्पांस मिल रहा है मैनपुरी जिला में? देखिए, इस यात्रा को बहुत समर्थन मिल रहा है। ये सुल्तानपुर की धरती से चल करके तमाम जनपदों से होते हुए कन्नौज पहुंची, कन्नौज से छिबरामऊ से आज मैनपुरी की इस ऐतिहासिक धरती पर ये बेरोजगारी मुक्त क्रांति साइकिल यात्रा पहुंची है। ये नौजवानों ने अंगड़ाई ले ली है और ये नौजवानों ने देश और प्रदेश की सरकार की जो झूठी पोले, जुमलेबाजों की जुमलेबाजी है, जो इनकी नीतियाँ रीतियाँ हैं, कूटनीति है, ये जनता को बताने का काम कर रहे हैं। और हम सब नौजवानों के, इस देश के किसानों के शानदार नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी की जो जनकल्याणकारी योजनाएं रही हैं, उनको गांव-गांव जन-जन में हम लोग लेकर के जा रहे हैं। ये यात्रा का समापन यहां ही नहीं, ये मथुरा की वृंदावन की धरती पे होगा। और ये साइकिल यात्रा अपने आप में ऐतिहासिक यात्रा है, ये सरकार के बदलाव की यात्रा है, ये नौजवानों के हमदर्द की यात्रा है, विकास की यात्रा है। ये जो जालिम सरकारें इस देश प्रदेश में चल रही हैं, उनके पुलिंदा की, उनकी कठपुतली खोलने की योजना है। गाना बंद कर दो।